हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अर्जद अपने चैनल AHP ट्रैक्टर केयर पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर है आइसर 485 ओल्ड मॉडल। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि दोस्तों इस बूस्टर को कैसे खोलते हैं, इसमें क्या खराबी आती है, इसके लिए हमें बहुत कॉमेंट आ रहे थे। तो हमने इसीलिए यह वीडियो बनाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, चलो देखते हैं। तो हम सबसे पहले ये वाला जो इसका वॉल है, ये पंप सेफ्टी वाल है, रिलीफ वाल, पंप रिलीफ वाल, इसको सेफ्टी वाल भी कहते हैं। हम इसको खोल कर देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक स्प्रिंग और ये इसका कैप, एक इसमें यहाँ पे ओ रिंग लगता है। और एक ये वॉल, ये दोस्तों, ये अगर ऐसे कुछ इस तरीके से, ये भी डैमेज हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा पूरी पूरी। ये देखिए, ये भी टूट जाती है अक्सर करके, तब भी इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और ये इसका सिलेंडर रिलीफ वाल, ये दोनों सेम ही होते हैं, बस इनका प्रेशर कम और ज़्यादा करना होता है। ये वॉल सही है। अभी थोड़ी तबीयत भी खराब है। ये इसका चेक वॉल, इसमें थोड़ा स्प्रिंग जो है ना, ये टेंशन कम होती है इसकी, ये नरम दबता है वो। ये इसका वॉल। और दोस्तों, इसकी अगर ये सीट खराब हो जाती है ना, ये वॉल, ये जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके है, यहाँ से इसकी ये सीट ख़राब हो जाती है, तो इसको चेंज करना होता है। और ये एक यहाँ पे इसमें ओरिंग लगता है, ठीक है, और ऐसी ही सीट इसमें है,
ये जो रिलीफ वाल होती है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसमें भी सीट है, ये भी ऐसे एल की मदद से खुल जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, अब हमें अब इसका कंट्रोल वाल खोलते हैं। ये 5 नंबर का एलन की बोल्ट, ये इसका मेन स्पूल है, ये वाला, और ये भी खराब हो जाता है। इसको लगा के इसमें ऐसे इसकी पले देखनी चाहिए कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से, अगर इसमें पले होगी तो आपको ये चेंज करना है। इसके अंदर एक स्प्रिंग और इसका लाइनर भी निकालना है। तो हमें यहाँ से 5 नंबर की एल की मदद से यहाँ से ये खोल लेना है, और फिर यहाँ पे हल्का हल्का सा झटका लगाने के बाद ये इसका लाइनर है, ये इसका स्प्रिंग, इसमें कुछ इस तरीके से। तो इसमें हमें ऐसे पले देखनी है, ठीक है, और इसमें एक ओरिंग होता है अंदर, यहाँ पे होता है, ये मैं आपको ये देखिए, इसका रबर भी कट जाता है तब भी प्रॉब्लम आती है। ये इसमें कुछ इस तरीके से लाइनर के ऊपर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बॉडी में लगता है और फिर लाइनर रुकता है। ठीक, ये हो गई समस्या, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व। और एक इसमें यहाँ पे है वाशर, ये वाला, ये इसमें वाशर लगता है, ठीक। और अब हम ये वाला वाला है, इसमें ये इसका स्प्रिंग, ठीक है, और ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग, इसमें ज़्यादा तो कोई फर्क नहीं है। ये हल्का सा मोटा होता है और ये हल्का सा पतला, ठीक। ये इसका स्प्रिंग है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिटिंग होता है, और ये इसकी वॉल, ये वाला स्प्रिंग, इसको दबाने का। और दोस्तों इसकी भी यहाँ पे सीट कट जाती है, ये इसे चेंज करने के लिए हमें इसका लाइनर भी निकालना होगा। यहाँ पे इस तरीके से हल्का हल्का सा फटका लगाने के बाद ये निकल गया इसका लाइनर। और इसमें
जैसे कि हम इसको वापसी फिटिंग करते हैं ना डाल दे, तो हमें इसका ये ध्यान रखना होता है कि इसका जो सीट है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीट है ना, और यहाँ पे सीट बनी हुई है, तो ये कुछ इस तरीके से लगता है, ये सीट दर सीट। बाकी से बहुत से हमारे दोस्त इस तरह भी डाल देते हैं इसको, बाकी ऐसे गलत हो जाता है। ये जहाँ पे इसकी ये सीट बनी हुई ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये सीट ही ऐसे, तो ये कुछ इस तरीके से ही डलता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एक वॉल यहाँ पर रहेगा। ये है दोस्तों इसका पूरा पार्ट। और दोस्तों अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आगे और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना और एक लाइक करना, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल AHP ट्रैक्टर केयर पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना। दोस्तों हम अगला पार्ट बनाएंगे इसका, उसमें आपको फिटिंग करके दिखाएंगे कि कैसे इसकी फिटिंग की जाती है। तो दोस्तों हमने डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे खोलते हैं वो बहुत बारीकी से आपको दिखाया। दोस्तों ऐसे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं हम इसका ये पार्ट वन कर देते हैं और फिटिंग का पार्ट टू फिर 1 या 2 दिन बाद आपको दिखाएंगे, ठीक है। और हाँ दोस्तों, मैं अपने फ्रंट कैमरे से यह वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको जैसे कि मैं किसी चीज़ की चूड़ी को ऐसे चढ़ाता हूँ तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि उतारते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से नट खोले तो मैं जैसे इनको उतार रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि टाइट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने ये भी क्लियर कर दिया। और मैं अगला वीडियो इसको फिटिंग कैसे करते हैं वो भी आपको जल्दी दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत यह बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए खुदा हाफिज़।